गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेंगे एनपीओ के बारे में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर सीबीएसई में 10 मार्क्स की वेटेज रखता है और यहाँ से 3 सवाल हमारे बनेंगे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, एक 1 मार्कर होगा, एक 3 मार्कर होगा और एक 6 मार्कर होगा। 1 मार्कर में आपसे क्या पूछा जाएगा, डेट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लेगेसी, that type of question can be asked, or method of accounting for income and expenditure as well as for receipts and payment account. अब आते हैं 3 marker question पे। 3 marker question में क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले यहाँ पे आता है treatment of consumable items, बहुत ही ज्यादा important है, जिसमें आपको consider करना पड़ेगा आपके opening stock दे रखा होगा items का, closing stock दे रखा होगा, आपको opening creditors दिए होंगे, closing creditors दिए होंगे और amount paid during the year to the creditors दिया होगा, और एडवांसेस का अमाउंट भी आपको दिया जा सकता है। तो आपको वो कंसीडर कर लेना, जैसे आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहां पे, परचेजेस का, अगर आपको परचेजेस का अमाउंट दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां पे एडजस्टेड है जो हमें क्रेडिट परचेजेस दी हुई है। अगर कैश परचेजेस भी दी गई है तो उन्हें आप भी एड करने वाले हैं वहां पे। दूसरा सवाल आता है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत आसान है, उसके अंदर आप अकाउंट बना के भी कर सकते हैं और या सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उसमें ध्यान रखने वाली बात है आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो दी हुई है, कई बार हमें दिया होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। एग्जाम्पल देता हूं, आप 31 मार्च 2018 के अकाउंट बना रहे हैं आपको, और आपको आउटस्टैंडिंग दे रखी है 31 मार्च 2018 की 10,000। इसका मतलब उसके अंदर में सारी चीजें ऑलरेडी एडजस्टेड है और आपको दे रखा हो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018, तो इसका मतलब उसके अंदर पुरानी अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो भी हमें क्या करनी होगी, प्लस करनी होगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तीसरा सवाल यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का भी बन सकता है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी दिया जा सकता है, जो आपको तैयार करना पड़ेगा। और अब आते हैं हम लोग 6 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर। 6 मार्कर क्वेश्चन में ध्यान से आप पढ़ लेना बेटा, कि हो सकता है खाली हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा जाए, हमसे पूछा ही नहीं जाएगा ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि पेपर की लेंथ को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन आप पढ़ते नहीं है, आप ओपनिंग और क्लोजिंग भी बनाने लग जाते हैं, जिसके अंदर फिर से आपका समय की बर्बादी होगी और इसका मतलब आप अपने मार्क्स को लूज करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको। जब आप बनाए इस अकाउंट को तो इसमें छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में कई बार हमारे को जो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीट साइड पे, जो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फेस वैल्यू गिवन नहीं होती, तो आपको फेस वैल्यू निकालनी होगी, जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको रिफ्लेक्ट भी करनी होगी। और कई बार आपके पास एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, सेम अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया है या कोई फर्नीचर परचेज किया है तो आपने कब फर्नीचर परचेज किया है, क्या हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन को उसी के हिसाब से आपको कंसीडर करना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है मैच फंड और मैच एक्सपेंसेस के लिए। मैच फंड 20,000 के दिए हुए हैं हमें और मैच फंड एक्सपेंसेस जो हमारे पास है वो 18,000 के हैं, तो नेट अमाउंट 2,000 आ गया, दैट विल बी शोन ऑन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर रिजल्टेंट अमाउंट नेगेटिव आ जाता है तो दैट इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर साइड। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, मेरे हिसाब से एनपीओ का क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मार्क्स दिलवा देगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई एक रिसीट रिलेवेंट अकाउंट का क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकती है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी होंगी, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। और इसमें इस बात का ध्यान रखें आप कि एक तरह की एक सिंपल कैश बुक है, अगर पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें आप इस बात का ध्यान रखें, पैसा चाहे इस साल का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, वो आपको रिकॉर्ड करना ही होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपसे कहा जाए रेंट पे 10,000, इसमें लिखा होगा इंक्लूडिंग 10,000 ऑफ द प्रीवियस ईयर, डज नॉट मैटर, आपको 40,000 ही आपको कंसिडर करना है। आपको इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वर्ड से थोड़ा सा आपको भटकाया जा सकता है, लेकिन अपनी रीडिंग को आप प्रॉपर रखिए और आपका सवाल बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।